हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नए वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं मशीन को शटल किस तरह से लगाते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है, हम मशीन का शटल निकाल देते हैं, उसमें धागा अगर अटक गया होगा तो हम उसमें से धागा निकालने के लिए शटल को बाहर निकालते हैं, और फिर हमें बाद में ध्यान में ही नहीं आता कि शटल को हमें किस तरह से लगाना है, कौन से पार्ट को किस तरह से लगाना है, ये सारी चीजें हमारे ध्यान में नहीं आती। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं शटल को किस तरह से लगाया जाता है और बाद में इस मशीन में कैसे अटैच किया जाता है। तो चलिए जल्दी से जल्दी आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम मशीन के नीचे जो शटल है उसको बाहर निकाल लेते हैं। इस तरह से मशीन को ऐसे उल्टा करना है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा ये शटल है। तो अब हमें यहाँ का ये वाला स्क्रू और यहाँ पर ये जो स्क्रू है, इन दोनों स्क्रू को अब निकाल लेना है। पहले हम ये जो बॉबिन है इसके अंदर वो निकाल लेते हैं बाहर। अब ये हम दोनों स्क्रू निकाल लेते हैं। अब ये हमने दोनों स्क्रू निकाल लिए हैं। अब हम इस शटल को भी बाहर निकाल लेते हैं। ये देखें, इस तरह से ये शटल हमने बाहर निकाल लिया है। अब हम ये जो शटल है इसको अब ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी धूल जमा हो गई है, इसको हमें साफ करना है कपड़े से। अब हम इसके एक एक पार्ट निकाल लेते हैं। बैक साइड से हमें इसको, ये वाला जो स्क्रू है इसको पहले अब निकालना है। तो ये हमारा स्क्रू निकल गया है और ये वाली जो पट्टी है ये भी निकल गई है। अब हमें ये वाला जो राउंड आकार का ये जो पार्ट है इसको निकालना है। इस तरह से आप देख सकते हो इसमें ऐसे दो छेद है। ये जो दो छेद है वो यहाँ पे ये जो दो छोटे छोटे रॉड है इसमें जाते हैं। अब ये जो बॉबिन जहाँ पर हम लगाते हैं इसको निकाल देते हैं। तो हमारे शटल के ऐसे पांच पार्ट हो जाते हैं बाहर निकालने के बाद। अब हम ये जो शटल है इसको पूरी तरह से क्लीन करते हैं। इसमें अगर धागा वगैरह अटक गया होगा तो उसको भी निकालते हैं। आपको इसे अच्छी तरह से कपड़े से साफ करना है। ज्यादातर धागे यहाँ पर अटक जाते हैं और फिर हमारी जो मशीन है वो जाम चलती है। तो यहाँ पे भी हमें इसे क्लीन करना है। यहाँ पर अगर धागा वगैरह अटक गया होगा तो उसको निकालना है। तो ये हमारा शटल जो है वो पूरी तरह से क्लीन हो गया है। अब ये जो पार्ट है इसको भी अब हम क्लीन करते हैं कपड़े से। तो इस तरह से हमारे शटल की क्लीनिंग हो गई है। अब हम शटल को वापस लगा देते हैं। अब कैसे लगाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो पहले हमें ये वाला पार्ट लेना है और फिर इसके बाद ये वाला ये जो राउंड शेप का पार्ट है इसको हमें लगाना है। आप देख सकते हो यहाँ पे दो छेद है, वो हमें यहाँ पे जो छोटे छोटे रॉड है इसमें डालना है और इसको इस तरह से डालना है। ये उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है। तो इस तरह से हमने इस तरह से दोनों छेदों में इसे डाल दिया है। ये लग गया। अब लगाते हैं ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट हमें कैसे लगाना है, ये जो दो छोटे छोटे रॉड है इन दोनों के बीच में ये दोनों पॉइंट आने चाहिए इस तरह से। ये देखिए, आपको इस तरह से ये वाला पार्ट लगाना है। ये जो दो रॉड है इन दोनों के बीच में ये आना चाहिए और फिर यहाँ पे हमें ये वाला जो स्क्रू है वो यहाँ पे लगा देना है। स्क्रू ड्राइवर से हमें इसे टाइट करना है। अब तो ये हमारा यहाँ का भी पार्ट जो है वो लग गया है।
अब हमें लास्ट में ये जो बॉबिंग का पार्ट है वो लगाना है। तो बॉबिंग का पार्ट हमें किस तरह से लगाना है, आप देख सकते हो ये जो रॉड है वो हमारा इस साइड में आना चाहिए। ये हमारा सीधा हो गया शटल और ये हो गया उल्टा। तो हमें इसको लगाते वक्त शटल को इस तरह से पकड़ना है और ये जो पार्ट है, ये बॉबिन का जो पार्ट है, इस यहाँ पे जो रॉड है इसको ऐसे पकड़ना है और फिर हमें इसको इसके अंदर इस तरह से ढकेलना है। अगर फ्रंट साइड से नहीं जा रहा तो आप बैक साइड से भी डाल सकते हो, लेकिन ध्यान रखिए ये वाला जो रॉड है वो हमारा आगे की साइड में आना चाहिए। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो बॉबिन की यहाँ की जो डब्बी है वो यहाँ पे ऐसे लग गई है। यहाँ पे घूम भी रही है। अब हम इसको मशीन में लगा लेते हैं। तो इस तरह से आपको शटल को लगाना है। आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। तो अभी हम शटल जो है वो मशीन को लगा देते हैं। यहाँ पे जो हम शटर लगाने वाले हैं तो यहाँ पर भी हमें पहले कपड़े से पोंछना है। यहाँ पर भी बहुत ज्यादा धूल वगैरह अटक जाती है तो इसको भी हम क्लीन करते हैं। तो ये हमने अब क्लीन कर लिया है। अब हम लेते हैं शटल को। ये हमने शटल लिया है। अब हमें शटल को ये वाली जो राउंड वाली पट्टी है और ये जो हमारा शटल जहाँ पे हम लगाने वाले हैं, इन दोनों को हमें राउंड शेप में लाना है। तो पहले हम ये जो पट्टी है वो हम इस साइड कर लेते हैं। ये हमने इसको इस साइड कर लिया। अब ये जो शटल में का सर्कल है इसको हम इस साइड कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा ये पूरी तरह से जो सर्कल है वो तैयार हो जाता है। अब हमें शटल को इस तरह से लगाना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो शटल है वो लग गया है और आप देखिए यहाँ पे ये अंदर हमारा जो पूरा सर्कल है जहाँ पे हमारी बॉबिन केस लगती है वो अच्छी तरह से एकदम लग गया है। सुई भी एकदम परफेक्टली ऊपर नीचे आ जा रही है। तो इस तरह से हमें शटल को लगाना है। अब हम इसके दोनों साइड के जो स्क्रू है शटल के वो लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमारा शटल लग गया है। इसमें अब हम ये जो हमारी बॉबिन है वो भी लगा देते हैं। तो हमारा जो पूरा शटल है वो तैयार है। तो फिर कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो? आपको अगर हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।